राम राम सारी बाणा ना जोड़ के आपका अपने चैनल कल्चर फैब्रिक हिसार में आपका स्वागत है। उम्मीद है सारी बेबी राजी खुशी होगी। पहले तो भाई जिन बाणा के कल फोन नहीं उठा पाए या रिप्लाई नहीं कर पाए उन बाणा तो भाई जमा कान पकड़ के सॉरी बोलूं। तो कल इंसिडेंट ये होया कि भाई हमारा जो पार्सल है, दो पार्सल हमारे इंटरचेंज हो गए। एक बेबे है हनुमानगढ़ की, उस बेबे के 5 सूट थे, मैंने आपके वीडियो में दिखाए भी थे। तो 5 सूटा का पार्सल उस बेबे का लगाया था, टोटल उस बाण के थे 6 सूट, एक मार दो रहे हैं। 5 का पार्सल उस बेबे का निकाल दिया था ताकि वह बेबे अपने सिलने तो दे दे कम से कम 5। और भाई 5 सूट थे हनुमानगढ़ की बेबे का, 1 सूट था फतेहबाद की बेबे का। तो कुरियर वाले अंकल से एक गलती होगी कि वो दो पार्सल उन्होंने इंटरचेंज कर दी, क्योंकि बहुत सारे पार्सल होते हैं। तो उनके भाई हमारी पैकिंग जो है वो करते हैं कुरियर वाले, हम खुद पैकिंग करके यहाँ से नहीं भेजते, हम यहाँ से सिर्फ सूट भेजते हैं जो कि जाके कुरियर ऑफिस में पैक होते हैं, वो पैक करते हैं, उसके बाद वो उनको भाई उन पे लेबल वगैरह लगा के कौन सी कंपनी के थ्रू भेजना है, कैसे करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो अपना सारा सिस्टम सेट करके उन्हें पार्सल ने कुरियर करवाते हैं। तो दो पार्सलों का एड्रेस इंटरचेंज हो गया, फतेहबाद की बेबे द्वारा पहुंच गए 5 सूट जिसका 1 सूट था, और हनुमानगढ़ वाली बेबे द्वारा पहुंच गया 1 सूट जिसके 5 सूट थे, बाई चांस गलती पे, ठीक है। और उसके बाद अब हमने जो है वो लूप होल जो हमारा था भाई, जिसकी वजह से ये दिक्कत होया कर दी, वो सारा सुधार लिया। और एक भी आगे किसी बाण के पार्सल में दिक्कत आवे को नहीं, बट जब तक आपका पार्सल आपके घर आपके दौरे नहीं पहुंच जाओ तब तक हमारी पूरी जिम्मेवारी रवे है, आपका कोई टेंशन लेने की या किसी भी चीज की जरूरत को नहीं। तो कल क्या इंसिडेंट हुआ, सबसे पहले तो मतलब हमारा जो 5 सूटों वाला पार्सल था वो पहुंच गया फतेहबाद उस बेबे दौरे, और उस बेबे का मेरे दौरे मैसेज आया 2 सूटों की फोटो भेज के कि भाई मेरे पास 2 सूट आए हैं, और जबकि पहुंचे उसके पास 5 सूट थे। मैंने उसको कहा भाई एक पार्सल में 5 सूट थे और पार्सल वेल पैक्ड था, अगर या तो आपके पास 2 भी ना पहुंचते, और या पहुंचे हैं 2 तो आपके पास 5 पहुंचे। वो लेडी मानने को तैयार नहीं कि भाई मेरे पास 5 सूट आए हैं, ठीक है, मतलब हमने हर तरीके से कोशिश कर ली लेकिन वो लेडी मानने को ही तैयार नहीं थी कि मेरे पास 5 सूट आए हैं, बोली मेरे पास तो 2 ही आए हैं, ठीक है। 2 सूट जो सबसे सस्ते सूट थे उस पार्सल में, 2 सूट सस्ते तो क्या थे, 1 2,000 का था, 1 2,500 का था, बट सबसे सस्ते वही दोनों थे। तो उनकी फोटो भेज के मेरे दौर कह दिया भाई मेरे पास ये 2 सूट आए हैं, वो किसी और के 2 सूट है, तो उन्होंने भेज दिया, ठीक है, फोटो मेरे पास। उसके बाद भी हमारे यहाँ पे मतलब उस बात की चर्चा होने लगी भी क्या बात है, कैसे हुआ ये, क्योंकि दूसरी बार हुआ ये, एक बार पहले हुआ था तो वो सूट तो वो एक बेबे थी राजगढ़ की, उसने जपते कर लिया था, लेकिन ईवीओ इंसिडेंट हमारे साथ दूसरी बार हुआ था, लेकिन ईवीओ आगे कदे को नहीं हुआ क्योंकि उसका पूरा समाधान हमने आड़े तक कर लिया, क्योंकि हम यहाँ अलग टीम बिठा के और पैकिंग करने के लिए उनको लगाएंगे, तो पूरी टीम अरेंज करना वो भाई देखो एक स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात हो जाए कि एक पूरी टीम पैकिंग खातर आप अरेंज करके और मतलब उन्हें सिर्फ पैकिंग खातर बिठाओ और उन्हें सैलरी दो, तो हम कुरियर में ही थोड़े थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देके उनकी पैकिंग का खर्चा जो है वो निकलवा दिया करते। तो भाई नो ला लो 5 रुपये पर पैकेट एक्स्ट्रा दे दिया करते हम उन्होंने कुरियर वाले अंकल, कोई 5 रुपये कोई 10 रुपये बड़ा पैकेट होया करता, तो इस तरीके से हमारा जो है वो काम होया करता। लेकिन ईव हमने खुद सीसीटीवी कैमरे के नीचे और पूरी टीम बिठाई है ताकि हर बैग के जो पार्सल जावे वो बिल्कुल सही पहुंचे या कोई भी दिक्कत बांट के ना आवे। हमारे ये दिक्कत नहीं थी कि पार्सल इंटरचेंज हो गए, दिक्कत ये थी कि जो हनुमानगढ़ वाली बेबे थी उसने चाहिए थे सूट और उस बेबे के सूट लेट हुए थे, ठीक है, तो वो दिक्कत थी हमारे, और उस बेबे के फोन भी आ रहे थे कि भाई मेरे सूट जल्दी पहुंचाओ, तो ये थी, ठीक है। अब बात यह आई कि उस कस्टमर ने हमारे 5 सूट जो है उसके पास पहुंच गए थे, उसने बताया कि मेरे पास 2 पहुंचे, 3 सूट उसने कर लिए जपत, ठीक है, बताया को नहीं, जो 3 सूट थे उसमें से 1 सूट था 3,000 का, 2 सूट थे 5,500 के, तो 14,000 के सूट उसने अलग रख दिए, 2 सूट थे उसमें 1,500 का और 1 2,000 का, 4,500 के सूट थे, वो बता दिए कि भाई मेरे दौरे ये 2 सूट पहुंचे हैं। उसने अपनी तरफ से भाई ईमानदारी की एक्टिंग करी कि भाई मैं ईमानदार हूँ और मेरे पास ये 2 आए हैं और मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, मैं चाहती तो ये 2 भी रख लेती, बट हम तुरंत मैं और मेरी बहन गाड़ी उठा के हम तुरंत गए कुरियर ऑफिस,
कुरियर ऑफिस से हमने कुरियर वाले अंकल को और जो लड़का पार्सल लगवा के आया पोस्ट ऑफिस में, गांव का एड्रेस था तो उसका, वहां गए। ठीक है, मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा कि वो कौन है, क्योंकि मैटर जो है वो सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन बाणों को बताने के लिए भी जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं या ऑनलाइन अपना काम कर रही हैं या भी मतलब कुछ भी, मतलब कस्टमर भी हैं या सो बात है, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो वो भी मैं आपने सारी चीज बताऊं। ठीक है, सूटों की वीडियो आज हम ले आएंगे। ठीक है, थोड़ी सी लेट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सीधे मैं और मेरी बहन गई कुरियर ऑफिस, फिर वहां से हमने अंकल को उठाया जिस लड़के ने पार्सल लगवाया, हिमांशु नाम है उस लड़के का, हमने उसको लिया और हम गए सीधे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जाके हमने कहा कि भाई ये ट्रैकिंग आईडी है, इस ट्रैकिंग आईडी का वेट कितना था, हमें ये बताओ इस पार्सल का वेट कितना था। उन्होंने बताया कि इस पार्सल का वेट अराउंड 3 से 4 किलो के आसपास पार्सल का वेट था और काफी बड़ा पार्सल था। आगे हमारे पास सारी डिटेल, हमारे कुरियर वाले अंकल ने भी हमें यही बताया कि ये 500 सूट मैंने एक साथ अच्छे से पैक करे थे, एड्रेस इसमें फतेहबाद का था, वो इंटरचेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं। पोस्ट ऑफिस वालों ने यही बताया कि भाई ये एड्रेस था, इतना इसका वेट था, इतने सूट थे। ठीक है, 2 सूटा में मैक्सिमम वेट हुआ है कि भाई 1 किलो 100 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम, इतना भाई उसमें वेट हुआ है। ठीक है, लेकिन 5 सूटों का वेट जो है वो हमें पता है कि कितना वेट होता है। उस बेबे के अच्छे बारी बारी सूट थे, एंडवर्क के सूट थे। ठीक है, तो उनमें इतना वेट था, 3 से 4 किलो के आसपास उनका पार्सल का वजन था। और उस पोस्ट ऑफिस वाले भाई ने हमारी इतनी हेल्प करी, उन्होंने हमें नंबर दिए फतेहबाद के किसी उसका जो पोस्ट ऑफिस है वहां का, उन्होंने नंबर दिया मेन का, और उन्होंने फिर हमें नंबर दिया उनके गांव के, जो गांव है उनका, उस गांव के पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में हमने फोन करा तो वहां एक रेनू दीदी है, अभी मुझे बाद में बात करने के बाद पता लगा, तो वो रेनू दीदी ने हमें बताया कि भैया वो पार्सल सुबह सुबह आके खुद लेके गए हैं और बड़ा पार्सल था और उसमें 2 सूट तो नहीं हो सकते, क्योंकि 2 सूट अगर होते तो वो हम पन्नी में पैक करके भेजते हमारे कुरियर वाले से। 5 सूट थे तो उन्होंने कट्टे में पैक करके और अच्छे से वेल पैक्ड करके अच्छे से भेजा था। तो वो दीदी बोले कि भाई पार्सल में कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल कहीं से कोई कटा फटा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वेल पैक्ड अच्छे से बिल्कुल पार्सल था, बड़ा पार्सल था और हमने उनको सुबह दिया है। और रेनू दीदी के साथ जो अंकल उसी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने अंकल ने खुद पार्सल उठा के अगले के हाथ में दिया है, तो वो अंकल कह रहे थे भाई इसमें 4-5 किलो के आसपास वजन है, भारी पार्सल था, बड़ा पार्सल था। तो उसमें बात यही साबित होगी सारी कि उसमें 5 सूट थे डेफिनेटली, और पार्सल कहीं से कटा फटा नहीं था, ये रेनू दीदी ने चेक करा था अच्छे से। तो इसका मतलब है कि बीच में रस्ते में भी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, तो गड़बड़ वहीं हुई है जाके। ठीक है, ये चीज मानने वाली बात है। तो फिर हमने उनको फोन करा कि भाई, हमने पोस्ट ऑफिस में कस्टमर को फोन करा, उसने फोन पहले उठा लिया, कहा मेरे पास नहीं आए हैं, मैं मान ही नहीं सकती मेरे पास नहीं आए, मेरे पास 2 ही सूट आए हैं। बाद में उसने फोन उठाने बंद कर दिए। ठीक है, बाद में उनका काफी देर बाद उनका जो है वो फोन मिला, हमने फोन मिलाया तो उन्होंने कहा कि भाई उनके पति ने बात करी, उस कस्टमर के पति ने बात करी कि आपके पास क्या प्रूफ है, ये उन्होंने बोला। तो हमने कहा भाई प्रूफ हमारे पास सारे, हम पोस्ट ऑफिस में गए हैं, उन्होंने ट्रैकिंग आईडी के हिसाब से उन्होंने वेट निकाल के बताया है। ठीक है, जो आपके गांव के पोस्ट ऑफिस में है रेनू दीदी, उन्होंने हमें बताया कि पार्सल अच्छे से पैक था और इतना बड़ा पार्सल था। जिस अंकल ने वो पार्सल उठा के उस कस्टमर के हाथ में दिया था, उस अंकल ने हमें बताया कि बेटा ऐसे ऐसे इतना जो है वो वेट था और पार्सल में कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से उसमें 5 सूट थे। और फिर हमने कहा कि भाई अब जो है वो बात अभी तक हमारे हाथ में है, हम पर्सनली बात कर रहे हैं और अब जो है वो बात हमारे हाथ से बाहर जाएगी, हम सीधा जो है वो पुलिस को कॉल करेंगे और अब आगे जो है वो मैटर हम नहीं संभालेंगे, वो आगे ही काम होएगा। तो थोड़ी देर बाद उनका कॉल आया फिर से हमारे पास, उस टाइम तो बोले कि जो आपसे होता है आप कर लो। थोड़ी देर बाद कॉल आया उसके हस्बैंड का कस्टमर के कि मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ, और मजाक किस बात का कि मैंने अपनी वाइफ के साथ भी मजाक करा, 3 सूट मैंने रख लिए, उसको मैंने 2 ही दिए थे, उसको इस बात का नहीं पता था, और मैं आपके साथ भी मजाक ही कर रहा था, उसके साथ भी मजाक कर रहा था। तो ये उनकी बात हुई और बात उनकी
आपस में मिली भगत थी दोनों हस्बैंड वाइफ की, और वो दोनों ये 500 सूट रखना चाहते थे। 18,500 रुपए का पार्सल था और उनका पार्सल था फतेहबाद का सिर्फ 1640 रुपए का। ठीक है, तो ये बात थी। अब उसके बाद उन कस्टमर की और उनकी वाइफ की सबसे पहली नियत तो यही सामने आ गई कि उन्होंने 3 सूट रखे, हमें 2 बताए। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने बात करी थी, बोला जो आपसे होता है आप कर लो, और भाई हमारे पास तो 2 ही आए हैं। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है। उसके बाद अपने एक्शन को, जो उन्होंने काम करा है, उसको ऐसी जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे आपके साथ। अब ये कैसा मजाक है आप भी समझ सकते हो। ठीक है, जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा उनके गांव के पोस्ट ऑफिस की तरफ से और हमारी तरफ से, और जो जो बातें हमने कही, उसके बाद उन्होंने ये मजाक वाला वो जो है वो सीन उन्होंने बताया कि हम तो मजाक कर रहे थे। तो उसके बाद सबसे मेन यहाँ पे जो पर्सन है वो है रेनू दीदी, और रेनू दीदी की हेल्प की वजह से हमें जो है हमारा पार्सल 18,500 रुपये का पार्सल जो है वो हमारा हमें मिल पाया। ठीक है, 18,500 रुपये का पार्सल हमारा लॉस्ट हो जाता ना, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 500 सूट दोबारा उन कस्टमर के बनवा के भेज देते, इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो बिजनेस में घाटा मुनाफा आंदा ही रहे है, लेकिन जो बेबे हनुमानगढ़ बैठी अपने सूटों का इंतजार करने लग रही है, उस बेबे के सूट और ज्यादा लेट हो जाते। तो ये सबसे बड़ी हमारी दिक्कत थी। 5 सूट अगर हम दोबारा बनवा के भेजते उस बेबे के सूटा में 1 महीना और लगता तैयार होने में, और वो 1 महीने का टाइम बचाने के चक्कर में कल हमारा पूरा दिन का टाइम वेस्ट हो गया। और भाई मैं जो सुलोचना बेबे है हनुमानगढ़ से नर्सिंग ऑफिसर, उस बेबे तभी भाई मैं सॉरी कहना चाहूँ कि उनका पार्सल थोड़ा सा डिले हो गया, बट उनके सारे सूट बिल्कुल सेफली हमारे पास पहुँच गए हैं और हम आज उनका पार्सल जो है दोबारा से लगवा रहे हैं। फतेहबाद वाली बेबे जो थी, क्या कह रही है, उनका पार्सल भी लगवा, हाँ फतेहबाद वाली बेबी जो थी उनका पार्सल इंटरचेंज होया था 1640 रुपए का, वो भी आज उनका लग जाएगा। और ये काम जो है, अब आप यूं देख लो कि इंसान की नीयत कैसे मतलब 3 सूटों पे यूं चुटकी में फिसल सकती है। ठीक है, इस चीज से ये पता लग रहा है। तो जो भी बेबे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सबसे पहले भाई अपना रिकॉर्ड अपने पास रखो कि हमने इस पार्सल में ये एड्रेस डाल के और इतने सूट डाल के ये भेजा है। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा सबसे पहले लगवाओ आप, उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी सारी चीजें। और आप हर पार्सल की, जो बड़े पार्सल और महंगे पार्सल जाते हैं यहाँ से 1-1 लाख रुपए के 1-1 पार्सल निकलते हैं, तो उनकी वीडियो जरूर बनाओ और किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे के हाथ में ही वो पार्सल दो। ठीक है, बाय चांस चलो हमारी ये गलती होगी, बट हमने सुधार ली, हमारी टीम अलग से हमने बिठा ली, हमारा काम जो सारा हमने सेट कर लिया ताकि आगे से ऐसी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, पार्सल गुम हो जाता 18,500 का, इतनी बड़ी बात ना होती, लेकिन 1 महीने का टाइम उस बहन की दोबारा 500 सूट बनवाने में लगता, वो बहुत बड़ी बात हो जाती कि 1 महीने में अगली के सारे फंक्शन निकल जाते। तो वो चीज थी। ठीक है, और भाई दुनिया में जहाँ हमारी ये जो कस्टमर है फतेहबाद वाली, ऐसे लोग हैं तो दुनिया में रेनू दीदी वाले जैसे भी लोग हैं, और भाई उन्होंने हमारी इतनी मदद करी है आप सोच भी नहीं सकते। वो कल एक फरिश्ता बन के आए हैं, और वो हमारी किस्मत अच्छी थी कि दीदी हमें मिले हैं। कल हमने दीदी को फोन करा, दीदी ने वो पार्सल उनके घर से मंगवाए वापस, 500 सूट अच्छे से उन्होंने चेक करे, मेरे पास फोटो भेजी कि भाई यही 500 सूट थे क्या, मैंने ओके करा, तब वो 500 सूट दीदी उनके गाँव से फतेहबाद लेके आई है। फतेहबाद अपने किसी नोन के हाथों उन्होंने वो सूट इसार पहुंचाए हैं, और वो बंदा हमें हमारे घर के पास दे के गए हैं। तो आप ये देखो कि वो इंसान मतलब हमारे लिए कल फरिश्ता ही बन के आए थे, और इतने मतलब अच्छे जो हैं वो मतलब लोग दुनिया में हैं, आप ये देख लो। ठीक है, तो भाई रेनू दीदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी वीडियो के थ्रू, और मेरी ऑडियंस जो है सारी, भाई प्लीज़ जो है जो भी देखने लग रही हो, अगर जो कस्टमर हैं, अगर आपके पास किसी की कोई चीज़ गलत पहुंच जाती है, तो वो आप किसी की अमानत समझ के अपने पास रखें। ठीक है, और उस चीज़ को प्लीज़ उनका रिटर्न करवाएं। अब कई लोग जो हैं वो ऐसे कमेंट करेंगे कि भाई हाँ आप भी तो ऐसा करते हो, आप भी तो कस्टमर के पैसे अपने पास रखते हो। तो हम कस्टमर के जो पैसे रखते हैं वो हम इस नीयत से नहीं रखते कि हमें उनके सूट ही नहीं भेजने। ठीक है, हम जो कस्टमर के पैसे रखते हैं, बाई चांस किसी का सूट लेट हो जाए, और उस सूट को, सूट लेट होना एक अलग बात है, और किसी के सूट जपत कर लेना या किसी के पैसे जपत कर लेना, वो चीजों में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है,
हम किसी से पैसे एडवांस लेते हैं तो उनके पैसे, उनका जो सामान होता है वो उनको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बना के भेजते हैं, ठीक है। नहीं तो ये 56,500 लेडीज पागल नहीं है जो हमसे जुड़ रही हैं, इतने इतने सूट जो बन बन के रोज जा रहे हैं, ये खुश हैं तभी बनवा रही हैं। 95% कस्टमर हमारे पास रिपीट के कस्टमर हैं जो हमसे रेगुलर सामान लेते हैं। 95% कस्टमर रिपीट के कस्टमर हैं हमारे पास। रिपीट का कस्टमर होने का मतलब है कि हमारा काम अच्छा है, हमारा कपड़ा अच्छा है, हमारे काम में फिनिशिंग है। हमारा प्रॉपर एड्रेस है 713 हाउस नंबर, नवदीप कॉलोनी, राजगढ़ रोड, हिसार, हमारा प्रॉपर एड्रेस है। हमारा फोन नंबर है, हमारी हर एक डिटेल गूगल पे शो है, हमारे हर एक डिटेल हमारी हमारे यूट्यूब चैनल पे शो है। तो आप कभी भी किसी से पूछ के भी यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। और आपको सीधा एक टैप करना है गूगल के ऊपर, कल्चर फैब्रिक्स इसार लोकेशन आपको मिल जाएगी, आप सीधा डायरेक्ट हमारे एड्रेस पे पहुंच सकते हैं। तो आपके पैसे जब्त होना या और चीजों करना, तो वो चीज बिल्कुल भी मतलब वो जस्टिफाइड है ही नहीं। तो किसी भी कस्टमर पेमेंट जो हम सारा काम करते हैं वो ऑन ऑर्डर करते हैं, ठीक है। ऑन ऑर्डर जो काम करेगा वो बंदा एडवांस पेमेंट लेगा, एडवांस पेमेंट होएगी तो ही अगले का सूट जो है हम ऑर्डर के लिए बढ़ने के लिए लगाएंगे, ठीक है। ये चीज जो है वो हर कोई करता है, सिर्फ मैं नहीं, हर कोई जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वो हर कोई करता है। लेकिन हमारी किसी के पैसे रखने की या किसी के सूट रखने की या सूट ना देने की पैसे लेके ऐसी कोई नियत नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पैसे हमारे अंदर रखे हैं तो आप 713 हाउस नंबर, नवदीप कॉलोनी, राजगढ़ रोड, हिसार, हमारा एड्रेस है, आप आधी रात को आके अपने पैसे लेके जा सकते हो। एक सपोर्ट आज मैं सारी बाणा ते जरूर मांगूंगा कि जिन जिन बाणा के सूट यहाँ से बन के गए हैं प्लीज कमेंट जरूर करियो आज की वीडियो पे, और भाई मेरा सूट, मेरे कपड़े, मेरा सारा सामान किसा लग गया जरूर बताइयो। ये मेरी मतलब मेरी हर बहन से रिक्वेस्ट है जिनके सूट गए हैं, प्लीज आज की वीडियो पे कमेंट जरूर करियो। चाहे आप एक छोटा सा वर्ड लिखो, आपके पास मुझे पता है टाइम की कमी है या जो भी है, लेकिन एक चीज जरूर करियो कि प्लीज आज की वीडियो पे कमेंट जरूर छोड़ियो कि हमारा काम, हमारा कपड़ा और हम लोग कैसे हैं, इस बारे में आप एक जेन्युइन राय अपनी जरूर दियो, ठीक है। तो यही आज की मैं वीडियो एंड करता हूँ, और सारी बाणा तो भाई जो कल फोन नहीं उठा पाए उन बाणा के आज सबके मैसेज की रिप्लाई होएंगी, सबको कॉल बैक जाएंगी, और जिन जिन बाणा के ऑर्डर हैं उन सब बाणा के ऑर्डर डिस्पैच होने लग रही हैं बन बन के, बहुत ही प्यारे प्यारे सूट और वीडियो आओगी। तो सारी बाणा जुड़ी रही, अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखियो। राम राम सारी बाणा आज जुड़ी।